गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मेहरपाल और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ इतने सुंदर अच्छे बाल कैसे आपके हो सकते हैं। आपको इतने लेंथ चाहिए से बड़े लेंथ चाहिए तो क्या प्रोडक्ट यूज़ करोगे। आजकल हेयर फॉल होने की समस्या बहुत लोगों को है कि हेयर फॉल होता है तो बालों को ऐसे भी करें तो भी यहाँ से बालों से बाल झड़ते हैं निकलते हैं। तो इसका नुस्खा मैंने पहले भी बताया था आप लोगों के लिए, लेकिन एक मतलब मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ वो आपके सामने आज मैं बताने आई हूँ कि बालों को हफ्ते में कितनी बार तेल लगाना चाहिए और किस तरह से ऑयलिंग करनी चाहिए। मैंने बहुत दिनों से ऑयलिंग नहीं दिखाई थी आप लोगों को और नहीं लेके आई थी, तो आज मैं वही दिखाने आई हूँ कि मैं अपने हेयर की केयर कैसे करती हूँ, ऑयलिंग कैसे करती हूँ और ख़ास बात कि हेयर को ऑयल लगाने के बाद आपको किस तरह से हेयर को बांधना चाहिए और किस तरह से हेयर को रखना चाहिए, तभी वो तेल पूरे जड़ों में समा जाता है अच्छी तरह मसाज करने से। तो आज मैं पूरा आपको वही मसाज बताऊंगी। लेकिन अगर इस वीडियो को आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू मेहरपाल और मेरे इंस्टाग्राम MS टकाटक आईडी को फॉलो करना भूलना नहीं मेरे दोस्तों, फटाफट से जाइए फॉलो कर दीजिए और पेटीएम पे भी मैं जुड़ चुकी हूँ तो जाइए ज्वाइन कीजिए। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन का बटन है तो ज्वाइन कीजिए और लाइव जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि हर लोग लाइव मुझसे बातें करते हैं या फिर मुझे देख पाते हैं लाइव में। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लाइव जुड़ जाइए और करिए मुझसे अच्छी खासी बातें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करती हूँ मैं और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि हफ्ते में कितनी बार इतने हेयर अच्छे पाने के लिए, इतने थिक और लॉन्ग पाने के लिए हफ्ते में कम से कम आपको मतलब समझ लीजिए आपने संडे को आपने हेयर वॉश किया है तो आपको मंडे को तुरंत लगाने लेना चाहिए और वेनसडे को बाल धोना चाहिए और फिर वापस से गुरुवार को आप लगा लें, मतलब थर्सडे को लगा लें और संडे को बाल धोए। ऐसे हफ्ते में 2-3 बार आप ऑयलिंग करें और बाल धोए तो आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे और थिक भी रहेंगे, बहुत अच्छे घने भी रहेंगे और मेरी तरह चमकते रहेंगे जैसे कि अभी मेरे चमक रहे। मैं बालों में कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ आपको बता दूँ, तो भी मेरे बाल देखिए पूरे चमक रहे और हेल्दी और अच्छे हैं। मैं सिर्फ ऑयलिंग करती हूँ और शैम्पू करती हूँ, ऑयलिंग भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ ताकि जड़ों तक पहुँच सके, वही ऑयलिंग मैं आज लेके आई हूँ। ये है एच केयर ऑयल, पहले भी मैंने इसका मसाज किया था आप लोगों को दिखाया था, अभी भी बताती हूँ मैं इसको। नॉब खोलना है आपको, हाथों पे लेके पूरे जड़ों में इस तरह का मसाज करना, मसाज करने के बाद आपको पूरी छोटी कर लीजिए या फिर बन बना लीजिए, आप जो चाहे उसको बना सकते हैं। रात भर पूरे बाल को जड़ों में समा जाना चाहिए, पूरी अच्छी तरह से जड़ों में जाएगा तो ही आपके बाल हेल्दी और अच्छे रहेंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद करने वाली हूँ ऑयलिंग, तो चलिए लेट्स गो। इसको हम एक छोटी सी कटोरी में निकाल लेंगे या फिर प्लेट्स में, तो ये देखिए ये है, इसका नॉब खोलेंगे इस तरह से। इसमें ये स्प्रे करने वाला भी है बट मैं ऐसे नहीं यूज़ करती, मैं इसको निकाल देती हूँ और बॉटल में तेल ले लेती हूँ। सोचिए मैंने कितना सारा तेल लिया है, ये देखिए इतना सारा तेल लिया है। और अब मैं हेयर के कम से कम 2 भाग करूँगी, तो वो 2 भाग इस तरह से होंगे। इसको कर दिया मैंने इस भाग को और इस पार्ट को हम लगा लेंगे रबर, ताकि यहाँ का पार्ट वहाँ नहीं है और वहाँ का पार्ट यहाँ नहीं है। मैंने लिया बाल को, पहले सामने लगाएंगे इस तरह से। आप देख मैं अब आपको दिखाऊंगी, आप देखते रहिए, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह से ऑयलिंग करना है। आप देखिए कि मैं किस तरह से ऑयलिंग कर रही हूँ। हाँ
गाइस, आप जितना ऑयल लगाएंगे उतने बाल आपके हेल्दी होंगे और अच्छे घने दिखेंगे, काले दिखेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, अच्छे बने रहेंगे आपको। और आज की दुनिया में तो बालों की समस्या सबको लगी रहती है, तो अगर आपको ये ऑयल चाहिए रहेगा तो आप ज़रूर बोलना। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड फ़ोन नंबर भी डाल दूँगी ताकि आप मंगा सकते हैं। साइड का पूरा आपको कम से कम 2-3 मिनट तक आपको क्या करना है, मसाज करना अच्छी तरह से। इस तरह का मसाज करना, देखिए कितने मजबूत है। अब इसको ये पार्ट को खोल देंगे, ऊपर नीचे हर जगह जड़ों में मसाज करते रहना आपको। इस तरह का तेल बालों में, तेल जड़ों में जाना चाहिए, तो ही आपके बाल हेल्दी और लॉन्ग रहेंगे और थिक रहेंगे। पहले मैं बालों को बस ऐसे ऐसे करती थी, हो गया, ऑयल लग गया, बट अब पता चल रहा है कि ऑयल किस तरह से लगाना चाहिए। ये देखिए पूरा ऑयल ऑयल है। अब इसको हम करेंगे चिंपी, इस तरह का चिंपी करना है आपको। ये साइड में लगाएंगे, इस तरह से इसको बस बालों को ऑयलिंग कर देंगे, इस तरह से। पूरे बालों के जड़ों में ऑयलिंग करना चाहिए। इस तरह से कम से कम आपको 5 मिनट तक इस तरह से मसाज करना है। 5 मिनट तक आप मसाज करते रहिए। ये देखिए एकदम धीरे 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 इस तरह का मसाज करना 5 मिनट तक। अब बच गया हमारा मेल यहाँ पे, तो ये तेल जो बचा हुआ है तो डाल लेंगे पूरा। इस तरह से आपको ऑयल करना है। मेरे पूरे बाल में देखिए ऑयल लग चुका है, ये देखो दिख रहा है पूरे बालों में, ये देखिए। अब ये होने के बाद आप चाहे तो बालों को ये इस तरह करके आप ऐसे बन बना सकते हैं, इस तरह का बन और क्लिप लगाना है आपको, लेकिन इसको इसी तरह रखना है पूरे बाल को। बालों को इस तरह रखोगे आप के बाल अच्छे दिखेंगे इस तरह का, बट
हम करेंगे इसकी छोटी, जिससे आपके बाल बढ़ेंगे भी और अच्छे दिखेंगे भी और बालों में तेल पूरा समा जाएगा इस तरह से। अब मैं करूँगी इसकी छोटी। और वन साइड कर सकते हैं या फिर पीछे कर सकते हैं, कैसे भी चाहे जैसे आप कर सकते हैं। इस तरह की छोटी करनी है आपको। आपके तेल पूरे यहाँ पे जितने भी लगे हैं पूरे तेल इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से हो सब कुछ हो। तो गाइस हो गया मेरा ऑयलिंग, देख लीजिए पूरा ऑयलिंग 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 पूरी ऑयलिंग ऑयलिंग दिख रही हूँ मैं। तो बहुत दिन के बाद आपके रिक्वेस्ट पे मैं ऑयलिंग वाला लाई हूँ हेयर मसाज। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि हेयर मसाज दिखाएं मसाज दिखाएं, तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप सो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये मेरा चोटी कैसा लगा आप लोगों को, इस हेयर स्टाइल में मैं कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्ट सब कीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू महर पाल, और मेरे इंस्टाग्राम और MS टकाटक की आईडी को फॉलो करना भूलना नहीं मेरे दोस्तों, फटाफट से जाइए फॉलो कर दीजिए। और ये हेयर ऑयलिंग अगर आपको हेयर ऑयल जो मैंने लिया है आज के ख़रीदना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत तो फ़ायदेमंद है बालों के लिए। बाल झड़ते नहीं है, रूसी नहीं होती, कुछ नहीं होती, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए कल लाऊंगी एक नया वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहेगा, सुरक्षित रहेगा और मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहेगा। बाय बाय बाय।